सो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और फिफ्टींथ बी। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, एबीसी और एडी। ये ए बी सी ए डी ई इन्होंने हमको कह दिया है ये क्या है हमारा सिमिलर ट्राइंगल, हमको प्रूफ नहीं करना है। नाउ ए ई और ई सी का रेशियो कितना है 4:7। ए ई और ई सी का रेशियो कितना है 4:7 राइट। यानी ए ई की जगह पे मैं 4 रख सकता हूँ, ई सी की जगह पे 7 रख सकता हूँ। डी ई यहाँ पे डी ई कितना दिया है हमको 6.6। ये कितना दिया हमको 6.6। ओके नाउ दे आर सेइंग फाइंड बी सी, फाइंड बी सी, बी सी फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये और ये प्रोपोर्शन में तभी आती है जब सिमिलर ट्राइंगल हो। तो सिमिलर ट्राइंगल तो बोल के रखा हुआ है इन्होंने, तो प्रूविंग नहीं देनी है आपको, आपको डायरेक्ट रखना है सिंस ए बी सी एंड ए डी आर सिमिलर सो कैन वी राइट ए ई छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल ए सी। ओके ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन बी सी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। ए ई, ए ई कितना है 4, 4 प्लस 7 कितना हो गया 11 इज इक्वल्स टू डी ई 6.6 एंड बी सी दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सो बी सी इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 11 अपॉन 4। ओके नाउ कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट योर आंसर ऑफ बी सी। तो चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे। फाइंड यहाँ तक आपकी जो परपेंडिकुलर है वो कितनी है आपकी x है। ओके अब वो कह रहे हैं कि आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो इसको आप मान लीजिए p और इसको मान लीजिए p या इसको मान लीजिए q, कुछ भी मान लीजिए, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। नाउ डियर चिल्ड्रेन दे आर सेइंग अस टर्म्स ऑफ x, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, ए टू बी सी ये निकालना है आपको, ए क्यू निकालना है। यानी कि इन दिस क्वेश्चन नाउ यू हैव टू कैलकुलेट ए क्यू। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आपको मतलब समझ में आएगा। ओके सो अगेन द सेम थिंग वी नीड टू राइट हेयर, ए ई अपॉन ए सी छोटा ट्राइंगल अपॉन बड़ा ट्राइंगल, ए पी अपॉन बड़ा ट्राइंगल ए क्यू ए ई। सो ए ई, ए ई इज 4 एंड ए सी, ए सी माने बड़ा वाला ट्राइंगल यानी 4 प्लस 7 इज 11 इज इक्वल्स टू ए पी। ए पी इज वॉट माई डियर चिल्ड्रेन एक्स एंड दैट इज ए क्यू, ए क्यू दैट वी नीड टू कैलकुलेट। क्वेश्चन में ए क्यू तो बोला है कैलकुलेट करने को। सो ए क्यू इज इक्वल्स टू 11 बाई 4 x and that is our answer. I think you might have understood. So let us move to our next question. If you don't understand this question, so repeat my videos, you will be able to understand. इस क्वेश्चन में एक बात कर रहे हैं एक ट्राइंगल की, तो ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर लिया अपना, ये ए हो गया, ये मेरा हो गया बी, ये हो गया सी। इसमें कहते हैं डी इज टॉर परपेंडिकुलर, सो दिस इज डी एंड दैट इज ई, ये एंड ये दीज आर पैरेलल। ठीक है, ऐसी बात तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। एंड पॉइंट ई, ओके ए बी इज 5 बी डी, दैट इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। बस यहीं से हमारा खेल शुरू होने वाला है, वो भी अच्छे तरीके से। एंड ई सी, ई सी दे हैव गिवन अस 3.2 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ए ई फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है ए ई। तो ए ई फाइंड करने के लिए अब आपको क्या करना होगा कि ये आपकी दोनों पैरेलल हैं। तो बेटा जब भी किसी क्वेश्चन में ये बोले कि डी ई और बी सी पैरेलल है, तो सब जो वो कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं राइट, वहाँ पे दाल में कुछ काला है, दाल में काला ये है कि डी ई और बी सी पैरेलल है, तो वो आपसे ही कह रहे हैं कौन सी थ्योरम लगाओ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी लगाओ, वो आपसे ये कह रहे हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसी हिंट लग गई और मैंने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहाँ पे लगा डाली, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी। बच्चों आपको ये मेंशन करना होगा कि ये आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगी है, यहाँ पे लिखिएगा आप बी पी ए, बी पी टी सॉरी। नाउ ए ई, सो ए ई को मैंने ए ई लिखा, ई सी, ई सी कितना है 3.2, ए ई कैलकुलेट करना है मुझे। और ए डी, ए डी, ए डी, ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी माइनस बी डी लिख सकता हूँ कि नहीं, बताइए आप, खुद सोचिए, को सोचिए। ए डी को मैं ए बी माइनस बी डी लिख सकता हूँ, ये ए बी है, इसको मैंने क्या लिख दिया, ए बी माइनस बी डी, सो दैट इज इक्वल्स टू ए डी राइट, एंड दिस इज बी डी एज यूजुअल। नाउ ए ई अपॉन 3.2
इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी डी. ए बी की वैल्यू कितनी है, 5BD माइनस बी डी अपॉन बी डी. ओके, गेटिंग माई पॉइंट. ए ई अपॉन 3.2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, 4BD अपॉन बी डी. बी डी से बी डी कैंसिल, बी डी से बी डी कैंसिल. सो ए ई इज इक्वल्स टू 3.2 इंटू 4. ए ई इज इक्वल्स टू 4 × 2 = 8 एंड दैट इज 12.8 सेंटीमीटर. यू गॉट द वैल्यू ऑफ दिस, 4 × 2 = 8 = 12. यस, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. एज आई हैव टोल्ड यू दैट व्हेनेवर दे से दैट दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, इट मीन्स दे आर गिविंग यू सम हिंट, एंड द हिंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT. तो तुरंत अपन ने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा दी है, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, और ये क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म.